ये कहानी है एक ऐसे मिरर की जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, यानी कि दूसरे पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ता है। इस मूवी का नाम है पैरेलल। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो सोने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। पर जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं तो डॉग बिल्कुल शांत बैठा होता है। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी फैमिली फोटो टूटी हुई है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इनके घर में कोई घुसा है। पर इससे पहले कि वो लेडी कुछ समझ पाती, वो चोर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये चोर अपना फेस रिवील करता है। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात हमें पता चलती है कि ये उसी लेडी का डुप्लीकेट है जो अब उस लाश को ठिकाने लगा देती है और उसकी जगह ले लेती है। जिसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिनके नाम होते हैं नोवल और डेविन, जो यहाँ पर अपनी कार पार्किंग ऐप की एड कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो उसका एक डेमो भी देते हैं और उनका ये आइडिया इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आता है। लेकिन अब मेन टाइम पर इन्हें पता चलता है कि किसी माइक नाम के आदमी ने इस ऐप को पहले ही डेवलप कर लिया है और इस वीक वो इस ऐप को इन्वेस्टर्स को बेच देगा। तो इसीलिए अगर उन्हें इनका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो माइक से पहले इन ऐप बनाकर देना होगा। पर एक पूरे ऐप को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए उसे इतने कम टाइम में नहीं बनाया जा सकता। चाहे वो कितनी भी मेहनत करें पर इतने कम टाइम में ऐप डेवलप नहीं हो सकता। और जब ये दोनों माइक नाम के बंदे के बारे में पता लगाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो उन्हीं का दोस्त होता है जिसे उन्होंने पार्टनरशिप के लिए इस ऐप के बारे में बताया होता है। पर इनका दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर इनसे गद्दारी करता है और इसी बीच ऐप को डेवलप कर लेता है। और वहीं इन दो दोस्तों के साथ दो और दोस्त भी होते हैं इस प्रोजेक्ट में, लीना और जोश। लेकिन अब इनके सारे प्लान्स फेल हो चुके थे और इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। और इसी के चलते अब जोश और डेविन में लड़ाई हो जाती है और जोश गुस्से में एक ग्लास दीवार पर दे मारता है, जिस कारण लकड़ी की दीवार में छेद हो जाता है। पर लीना यहाँ पर नोटिस करती है कि ये दीवार खोखली है, जिसे तोड़ने के बाद उन्हें खुफिया तहखाना मिलता है जहाँ पर इन्हें उसी ओल्ड वुमेन की कई सारी फोटोज मिलती है जो यहाँ पर 2 साल पहले रहा करती थी। लेकिन 2 साल पहले से उस लेडी को कहीं पर भी देखा नहीं गया, वो अचानक से जैसे गायब ही हो गई। अब यहाँ पर इन्हें 2 मैगजीन्स मिलती है जो बिल्कुल सेम होती हैं, और तभी उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट डोर मिलता है जो सीधा घर के गार्डन में खुलता है। अब एटिंग में यहाँ पर एक अजीब तरह का लेंस मिलता है जहाँ पर से पूरे घर में देख सकते थे। पर अब यहाँ पर डेविन को सबसे खास चीज मिलती है, एक अजीब शीशा। पर जब वो उसे देख रहा होता है तो फिसल जाता है और उसका हाथ उस मिरर में लग जाता है। लेकिन वो मिरर टूटता नहीं बल्कि उसका हाथ मिरर के अंदर चला जाता है। अब सभी का ध्यान उस शीशे की तरफ चला जाता है। अब डेविन यहाँ पर शीशे के दूसरी तरफ क्या है इस बात को पता लगाने की कोशिश करता है और वो अपने फोन को उस शीशे के अंदर डालता है और वीडियो बनाता है। जिस वीडियो को देखने पर इन्हें पता चलता है दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम दुनिया है, जिससे जोश को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और वो सीधे शीशे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये तो सच में एक डुप्लीकेट दुनिया है, बिल्कुल उनके दुनिया के जैसी। एंड यहाँ पर वो अपने डबल्स को भी देखता है जो बिल्कुल सेम उनके जैसे होते हैं। अब वो वापस आकर अपने दोस्तों को बताता है कि इस शीशे के दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ का समय यहाँ से तेज चलता है, क्योंकि जोश को पैरेलल वर्ल्ड में काफी देर हो चुकी थी पर अपनी दुनिया में सिर्फ उसे कुछ सेकंड्स ही हुए थे। अभी सभी मिलकर अलग अलग तरीके से इस मिरर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे इन्हें इस मिरर के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ये मिरर तभी काम करेगा जब ये सिर्फ अपने पोजीशन में हो, अगर ये मिरर किसी भी और पोजीशन में होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। दूसरी खास बात ये होती है कि पैरेलल वर्ल्ड का समय बहुत धीरे धीरे चलता है, यहाँ की 1 मिनट वहाँ के 3 घंटे के बराबर है। और तीसरी बात ये होती है कि जब कोई इस मिरर के अंदर एंटर करेगा तो वह हर बार एक नए पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहाँ पर साथ जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सभी लोग अपना हाथ पकड़ कर जाएं। पर इसके बावजूद भी उन्हें इस मिरर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो जब भी पैरेलल वर्ल्ड में जाएंगे तो वो कोई भी जगह हो सकती है और कोई भी टाइम हो सकता है। एंड यहाँ पर इन्हें ये भी पता नहीं होता है कि इस यूनिवर्स में कितने पैरेलल वर्ल्ड्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे ये किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाए, जब ये इस मिरर की मदद से वापस आएंगे तो ये अपने ही वर्ल्ड में आएंगे। साथ ही साथ ये इस बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जिस भी पैरेलल वर्ल्ड में जाते हैं वहाँ उनके डबल्स को इस बात के बारे में पता नहीं होता है कि कोई पैरेलल वर्ल्ड नाम की चीज भी है, ना ही उन्हें इस मिरर के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने इस मिरर की खोज अपनी दुनिया में इत्तफाक से की होती है। और ये घटना ऐसी नहीं होगी कि जो हर दुनिया में घटेगी, क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स सेम तो होते हैं, इनमें इंसान भी सेम होते हैं, जगह भी सेम होती है, पर घटनाएं सेम नहीं होती। उनकी अपनी दुनिया अलग होती है और हमारी दुनिया अलग होती है। अब ये सभी इस मिरर के बारे में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मिरर यहाँ पर कब से है और ये यहाँ पर कैसे आया होगा, जिसके बाद ये उस ओल्ड लेडी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर पड़ी एक बुक से इन्हें पता चलता है उसके हस्बैंड एक एक्सीडेंट के दौरान मारे गए थे, जिसके बाद से वो ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। लेकिन शायद उन्हें इस मिरर के बारे में पता होगा, इसीलिए उसने एटिक को पहले से ही सील कर दिया था।
जिसके बाद वो किसी और यूनिवर्स में चली गई, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो उन्हें दोबारा पाना चाहती थी, तो इसीलिए वो दूसरे यूनिवर्स में जाती है और वहाँ की टाइमलाइन से अपने डबल को मार देती है और उसकी जगह अपने आप ले लेती है, जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। एंड ये काम उसने बहुत प्लानिंग से किया होता है, तभी यहाँ पर बहुत सारी फोटोज होती हैं, क्योंकि उसने यूनिवर्स को पहले अच्छे से स्टडी किया। एंड वो जो खास तरह का लेंस इनके घर में होता है वो इसीलिए होता है ताकि वो अपने डबल्स पर नजर रख सके, और वहाँ से आसानी से निकलने के लिए उसने यहाँ से गार्डन तक का दरवाजा बनाया होता है। अब जब ये सारी बातें डेविन को समझ में आ जाती है तो वो सबको एक प्लान बताता है कि वो अपने ऐप को पैरेलल यूनिवर्स में बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ के 3 घंटे यहाँ के सिर्फ 1 मिनट के बराबर हैं, तो हमें काफी सारा टाइम मिल जाएगा ऐप को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए नॉयल और जोश अब पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं और यहाँ पर आराम से ऐप को डेवलप करने लगते हैं, जहाँ पर उनके डबल्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अब तक इस मिरर की खोज नहीं की है। अब वो इस पैरेलल यूनिवर्स में काफी लंबा टाइम बिताते हैं और जब वापस अपने रियल वर्ल्ड में आते हैं तो सिर्फ 5 घंटे ही बीते होते हैं, और इनका ऐप बनकर अब डेवलप हो चुका था, जिसके बाद वो इन्वेस्टर्स को अपने ऐप को बेच देते हैं और काफी पैसे कमाते हैं। लेकिन जोश को यहाँ पर एक और खास आइडिया आता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड में जाकर वहाँ के लॉटरी का टिकट का नंबर पता लगाकर अपने वर्ल्ड में आकर वही लॉटरी का टिकट खरीदेंगे, क्योंकि दोनों वर्ल्ड्स के टाइम में अंतर है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा लॉटरी के टिकट का नंबर क्या है। लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो इन्हें इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि भले ही ये वर्ल्ड सेम हो पर यहाँ पर सारी चीजें सेम नहीं होती। पर इस बार नॉयल को एक और आइडिया आता है कि जब ये दोनों वर्ल्ड्स अलग अलग हैं तो इनकी चीजें भी अलग अलग होंगी, तो वो दूसरे यूनिवर्स से कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी जानकारी लाएंगे जो यहाँ पर नहीं है, और इसकी खोज में ये चारों अब पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई खास चीज नहीं मिलती, जिससे सभी काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, और इसी के चलते नॉयल अपने डबल का पर्स चुरा लेता है, जिन पैसों से यहाँ पर सभी लोग पार्टी करते हैं, जिस वजह से सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं, और इसीलिए नॉयल का पर्स बार बार चुराते रहते हैं अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड्स में से, और बहुत सारे पैसे पार्टीज और एंजॉयमेंट में लगा देते हैं। अब इन्हें ऐसा करते हुए काफी टाइम बीत जाता है। अब एक दिन यहाँ पर नॉयल को एक डीवीडी मिलती है जिसमें मूवी होती है फ्रैंकलिनस्टाइन, और ये मूवी इनकी अपनी दुनिया में कभी रिलीज ही नहीं हुई होती है, जिससे इन्हें ये समझ में आता है कि इन पैरेलल वर्ल्ड्स में सिर्फ आर्टिस्टिक चीजों में अंतर पाया जाता है, इसीलिए वो सब अब ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं जो एक एरिया को टारगेट करते हैं। पर डेविन इस सबसे मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक यूनिवर्स की जानकारी दूसरे यूनिवर्स को देंगे तो इससे उनका बैलेंस बिगड़ सकता है, तो इसीलिए वो ऐसा करने से मना करता है। और उसके मना करने का कारण इसीलिए भी होता है क्योंकि उसके पिता को एक बार गलत काम की वजह से जेल जाना पड़ा था, जिसके कारण उन पर मुकदमा चला था। लेकिन डेविन को इससे बहुत दुख होता है और इन्हीं बातों के चलते वो अपने पिता को बहुत बुरा बुरा कह देता है, और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिसका दुख उसके मन में आज भी होता है। पर ये तीनों फिर भी नहीं मानते, तो लीना यहाँ पर कुछ फेमस पेंटिंग्स लेती है और नॉयल यहाँ पर कुछ इन्वेंशंस लेता है, जिसकी वजह से अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। और वहीं जोश, जिसे अपनी दुनिया के कैरेमैन पर क्रश होता है, पर उसने उसे कभी बताया नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन जोश अपना लक अब दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में आजमाता है, जहाँ उसकी दोस्ती कैरेमैन से हो जाती है, बट वहाँ भी उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसे जोश और कैरेमैन के लव सीन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को शूट कर देता है। लेकिन उस समय डेविन भी वहीं पर होता है, जोश को अपनी दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है, पर क्योंकि उसे गोली लगी होती है, जहाँ पर नॉयल और लीना उसे देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अब जोश यहाँ पर मर चुका था। अब डेविन सबको पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, पर नॉयल उसे ऐसा करने से मना करता है कि ये पैरेलल वर्ल्ड की वजह से हुआ है, और अगर हम पुलिस को बताएंगे तो उन्हें शीशे के बारे में पता चल जाएगा, जो कि सही नहीं है। लेकिन नॉयल इसका एक सॉल्यूशन भी बताता है कि हम सब मिलकर मरे हुए जोश को पैरेलल वर्ल्ड में ले जाते हैं और वहाँ के जोश से रिप्लेस कर देते हैं, पर डेविन इसके लिए मना करता है। पर इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसा ही करते हैं। ये लोग पैरेलल वर्ल्ड के जोश को अपने वर्ल्ड में ले आते हैं और यहाँ के जोश को उस वर्ल्ड में ले जाते हैं और रख देते हैं। पर नेक्स्ट डे जब दूसरी दुनिया का जोश उठता है तो उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है, पर उसके दोस्त इन बेकार की बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहते हैं, पर ये सभी इस दूसरे जोश को अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो इसे इन्हें खतरा हो सकता है। इसीलिए नॉयल उसकी एक जगह पर नौकरी लगवा देता है जो कि एक दूसरे शहर में होती है, जिससे कि वो यहाँ से दूर रहे, जिसके बाद लीना और नॉयल फिर से अपने काम में लग जाते हैं, गैजेट्स और पेंटिंग्स को अपनी दुनिया में लाने का, जिनकी वजह से अपने वर्ल्ड में एक सेलिब्रिटी बन चुके होते हैं। पर डेविन उनका साथ अब भी नहीं देता, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपने एक रिग्रेट को दूर करना चाहता था,
जो उसके पिता को बुरा भला कहने का होता है। वहीं जॉश को दूसरे शहर में सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है और जब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करता है जहाँ पर वो अपने पुराने दोस्त का फोटो देखता है, जहाँ पर वो एक बात को नोटिस करता है कि उसके दोस्त के बालों का रंग लाल होता है लेकिन इन सभी फोटोज में उसके बालों का रंग हरा होता है। वहीं डेविन पैरेलल यूनिवर्स में अपने पिता के पास पहुंच जाता है और वो यहाँ पर माफी मांगता है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लीना को वो सब कुछ मिल रहा था जो वो हमेशा से चाहती थी, पर इस सब के बावजूद वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि सच्चाई तो यही होती है कि उसने किसी भी चीज की खोज नहीं की है। जिसके बाद वो डेविन से बात करती है एंड यहाँ पर वो उसे प्रपोज करता है, यहाँ तक कि उसने उसकी बचपन की पेंटिंग को भी संभाल कर रख रखा था। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ लव सीन क्रिएट करते हैं, पर इसी बीच उन्हें कोई उसी लेंस से देख रहा होता है जो कि एटिक में होता है। अब नेक्स्ट डे लीना को डेविन का नोट मिलता है जहाँ पर वो लीना को बताता है कि वो इस सबसे अब थक चुका है और वो इन सबसे दूर रहना चाहता है। और वहीं नॉइल को इन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से काफी परेशानी होने लगती है। हालांकि नील और लीना का ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है लेकिन अब फिर से नील लीना को प्रपोज करता है लेकिन वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर लीना को उसकी बातों पर शक होता है कि वो कुछ तो छिपा रहा है, जिसके बाद वो उस पर एटिक में लगे लेंस से नजर रखती है जहाँ से वो देखती है कि नॉइल एक फोन को डस्टबिन में फेंक देता है। एंड जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये फोन डेविन का है एंड उसके फोन की मदद से वो उसे ट्रैक करते हुए ढूंढ लेती है। लेकिन जब यहाँ पर लीना उससे बातें करती है तो उसे पता चलता है कि डेविन को कोई भी बात याद नहीं है कि वो दोनों कब मिले थे, कब उसने उसे प्रपोज किया था, जिससे लीना को तुरंत समझ में आ जाता है डेविन को भी दूसरे वर्ल्ड के डेविन से रिप्लेस कर दिया गया है और इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। और इसीलिए नॉइल उसका फोन डस्टबिन में फेंक रहा था ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए, जिससे हमें पता चलता है कि जब ये दोनों लव सीन क्रिएट कर रहे थे और कोई आदमी उन्हें उस लेंस से देख रहा होता है तो वो और कोई नहीं नॉइल होता है और उसने डेविन को मारकर दूसरे वर्ल्ड में फेंक दिया और उस वर्ल्ड के डेविन को यहाँ पर ले आया। अब लीना डेविन को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताने की कोशिश करती है पर क्योंकि उसे इस बारे में जरा सा भी पता नहीं होता है तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता और सबूत के तौर पर वो उसे बचपन की पेंटिंग दिखाती है जो डेविन ने उसको दी होती है, जिससे पैरेलल वर्ल्ड के डेविन को अब कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोश को देखते हैं जिसे नॉइल पर अब शक होने लगता है क्योंकि उसे इस दुनिया में सब कुछ अजीब लग रहा था और वो अब रियलिटी जानने के लिए नॉइल के घर पर जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसी एटिक पहुंच जाता है जहाँ पर वो नॉइल को उसी मिरर में जाते हुए देखता है, जिससे वो एकदम चौंक जाता है एंड यहाँ पर जोश उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। हालांकि नॉइल उसे समझाने की कोशिश करता है पर इसी बीच इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच जोश नॉइल को शूट कर देता है, पर तभी मिरर के अंदर से एक और नॉइल निकल कर आता है एंड वही असली नॉइल होता है और जिसे जोश ने गोली मारी थी वो उसका डबल होता है क्योंकि किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड के नॉइल ने भी इस मिरर की खोज की थी। पर रियल नॉइल इन दोनों को यहाँ पर देखकर गन से शूट कर देता है, पर ऐसा करते हुए लीना उसे देख लेती है। नॉइल यहाँ पर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है पर लीना यहाँ पर कुछ नहीं समझती और इतने में ही यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स का डेविन आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर नॉइल को गोली मार देता है और नॉइल अपनी जान बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है क्योंकि वहाँ पर ये लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे और वो वहाँ से बहुत जल्द ठीक होकर आ जाएगा क्योंकि यहाँ और वहाँ के टाइम में बहुत डिफरेंस है, जिस वजह से उसे सही होने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। पर जैसे ही अब नील वापस लौटता है लीना उस मिरर की पोजीशन को चेंज कर देती है और क्योंकि ये मिरर तभी वर्क करेगा जब ये सही पोजीशन में रखा होगा तो वो वर्क करना बंद कर देता है और नील इस मिरर के बीच में ही फंस जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर लीना डेविन से पूछती है कि तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला, तो डेविन यहाँ पर लीना को बताता है कि ओरिजिनल डेविन ने अपने फोन में काफी सारी रिकॉर्डिंग्स बनाई हुई थी हर एक चीज की, जिससे मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और मैं सीधा यहाँ पर आ गया। अब लीना सब कुछ सुनने के बाद इस सब को खत्म करने के लिए इस मिरर को तोड़ देती है जिससे यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाए। अब पैरेलल यूनिवर्स के डेविन और लीना की फ्रेंडशिप फिर से हो जाती है और ये दोनों मिलकर इस मिरर के जरिए इन चारों ने जितना भी पैसा कमाया था उन सबको चैरिटी में दे देते हैं और दोनों एक नई जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। पर आगे चलकर जब लीना एक जगह पर बाथरूम कर रही होती है उसी वक्त उसे महसूस होता है कि कोई पैरेलल वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। पर थोड़ी देर बाद हमें लीना फिर से कार में जाते हुए दिखती है एंड कार में आते ही वो डेविन से कहती है कि इस सॉन्ग को सुने हुए कितने दिन हो गए, जबकि उन्होंने ये सॉन्ग थोड़ी देर पहले ही सुना था। इसका मतलब अभी अभी लीना पैरेलल यूनिवर्स की लीना से चेंज हो गई है और वॉशरूम में जो उसे लगा था वो सच में था, यानी कि वहाँ पर भी एक पोर्टल मिरर था और वहाँ की लीना यहाँ पर इसीलिए आई होगी क्योंकि वहाँ का डेविन मर चुका होगा। और बस इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पैरेलल मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।